नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ते। इस वीडियो में आप फटाफट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वह कवर करेंगे। एंड जो तुम यह हैंड रिटन PDF फाइल में बाय करना चाहते हो, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें, उत्थे जाके तुम इसको बाय कर सकते हो। और आई होप तुम्हें मेरी राइटिंग समझ से आ जाएगी। जो समझ से आ रही है मेरी राइटिंग, तो वीडियो में यस लिख के कमेंट जरूर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सिंगल पॉइंट की होंगे, मतलब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एक सिंगल पॉइंट होंगे उसको किस नाम नाल जानते हैं, पिक्सल के नाम नाल आप उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर कदों बनाए गए थे, जी फस्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइमिंग से 1940 तो लैके 1956 के दौरान जोड़े भी कंप्यूटर बने से वह फस्ट जनरेशन की कैटेगरी आते हैं। तो इन्हों फस्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की वरतों की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की गल करिए, सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कदों बनाए गए थे, सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का जी टाइमिंग से 1956 तो लैके 1963 का विचकारला जोड़ा टाइम से सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कदों बनाए गए थे, 1964 तो लैके 1971 के विचकारला टाइम से जोड़ा यह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम से। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कदों बनाए गए थे, तो 1972 तो लैके 2010 तक जोड़ा टाइम से इस बीच फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, पर 2010 तो बाद जनरेशन आना बंद हो गई। इस तो बाद की स्टार्ट हो, मैक्रो प्रोसैसर का टाइमिंग स्टार्ट हो गया, मतलब 2010 तो बाद आने वाले जोड़े भी कंप्यूटर आपको उसको जनरेशन के थ्रू नहीं गिणा, उसको आप माइक्रो प्रोसैसर की जनरेशन के थ्रू गिणा। एंड दोस्तों, इन्हें रिलेटड थ्यूरी में क्लासेस मैं पहले तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है, जो तुम वो क्लासेस नहीं देखी एंड थ्यूरी तुम समझना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं तुम्हें उन्होंने थ्यूरी द्लासिस लिंक दे देंगे, उत्थे जाके एक बार विजिट जरूर कर लियो। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर की वरत्या जाता है, तो जो फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर से उन्होंने वैक्यूम ट्यूब और मैगनेटिक ड्रम्स की वरतों की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की वरत्या जाता है, तो इन्हों वैक्यूम ट्यूब तो आप इनक्रीज हो गए अगे वध गए, हुण इन्हों ट्रांजिस्टर नामक उपकरण की वरतों की जा लगी। तो क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए, डैश की वरतों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की जाती है, हुण सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर तो उन्होंने आप IC यानी इंटरग्रेटेड सर्किट यूज़ कर लगे। तो क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर डैश की वरतों की जाती है, थर्ड जनरेशन की होंगे सी इंटीग्रेटेड आ गया और फोर्थ जनरेशन आई फिर उस की माइक्रो प्रोसैसर, जिमें तुम्हें मैं ऑलरेडी पहले दस दिता है, फोर्थ जनरेशन तो बाद फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर का यूज होना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन की गल करिए, पहली जनरेशन के कंप्यूटर किहड़ी भाषा की वरतों की जाती थी, तो मशीनी लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, वैक्यूम ट्यूब जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं किस द्वारा बनाया गया सी, ता ली डी फोरेस्ट नामक एक व्यक्ति से जिसने वैक्यूम ट्यूब की खोज की है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर इन्हों यूज़ किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किहड़ी भाषा वरती गई सी, तो असैम्बली लैंग्वेज जी सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से उन्होंने असैम्बली लैंग्वेज यूज़ की जाती सी। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज नू फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ फादर किसको कहा जाता है, मतलब इन्हां 13वां नंबर क्वेश्चन ते 14वां नंबर क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज नहीं होना, जे जस्ट अपने तो एग्जाम फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है तो चार्ल्स बेबेज आएगा, जे मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया तो एलन ट्रिंग नामक एक व्यक्ति है जिसनों मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, WWW का आविष्कारक कौन है, टिम वर्नर ली WWW का आविष्कारक है, तो WWW की फुल फॉर्म की है जो तुम्हें पता है तो वीडियो में कमेंट करके मैं भी जरूर दस दौ। बाकी दोस्तों, मेरी राइटिंग सॉरी इस तरह की है, बस उड़े उड़े जो पाँदा रहना मैं, मतलब कि ज़्यादा चंगी लिखाई नहीं है मेरी, बट मैं जो भी तुम्हें बोल बोल के सुना रहा तुम सुनो तो वह राइट डाउन जरूर करते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किहड़ी भाषा की वरतों की गई सी, तो इस जनरेशन हाई लैवल प्रोग्रामिंग भाषा यूज होने लगी सी। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, डैश इज ए स्पैशल परपज़ कंप्यूटर, ABC एक कंप्यूटर का नाम से जोड़ा कि स्पैशल कामों लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह का यह कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, कंप्यूटर के बेसिक वर्क की हैं, स्टोरेज एंड रिएलेटिव,
लॉजिकल ऑपरेशन ते अर्थमैटिक ऑपरेशन, यह तीन जिहड़े नॉर्मल वर्क है कंप्यूटर दे। ते क्वेश्चन नंबर 19 दी गल करिए, व्हाट इज URL? URL की चीज़ है? यह वैब पेज का एक एड्रेस होंदा, जिवें आपां गूगल ते सर्च करदे आं उपर आपां नूं सर्च बार विच एक एड्रेस दिखता है, जिसनों आपां वैब पेज का एड्रेस के नाम नाल जानदे आं। क्वेश्चन नंबर 20 दी गल करिए, कंप्यूटर विच किहड़े भाग नूं कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट नूं कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, कंप्यूटर विच किहड़ी किस्म की मैमरी होंदी है? कंप्यूटर विच दो किस्म की मैमरी होंदी है, रैम जिसका फुल नेम है रैंडम एक्सैस मैमरी, तो रोम जिसका फुल नेम है रीड ओनली मैमरी। एंड दोस्तों एक गल होर, वैसे तो यह शेयर करने वाली चीज़ नहीं है इस वीडियो में, बट रखड़ियाँ आ रही ने, तो काफ़ी मेरी भैन जिमें मेरी भैन ने यह मेरे वास्ते ऑर्डर किए वॉच, मैं काफ़ी चंगी लगी। तो होर भी जो भी फीमेल कैंडीडेट इस वीडियो में देख रहे हैं, उन्होंने भी भरा होणगे, तो उन्होंने भी मन होगा कि असं अपने भरा वास्ते कुछ ना कुछ इस रखड़िया से गिफ्ट लीए, तो करके उन्होंने मैं सुजैशन देना चाहता हूँ। जो तुम चंगा जहाँ कोई गिफ्ट लेना चाहते हो तो यह वॉच खरीद लो, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। एंड कोई ज़्यादा कोस्टली नहीं है, 1100 रुपये की सारी यह वॉच है। तो इस फीचर की गल करिए, इस की फीचर आपको देखने को मिले, देखो जो मल्टीमीडिया वॉच है, इस आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप फोन कॉल कर सकते हैं, ईमेल चैक कर सकते हैं, अपने म्यूजिक सुन सकते हैं, तो मैसेज टैक्सट कर सकते हैं। ज़्यादा कोस्टली नहीं है, 1100-1200 रुपये की तुम्हें वॉच मिल जाएगी, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता, उत्थे जाके चैक करो एक बार, जो तुम्हें फिट पैंदी है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो चलो हुण आपां अपने क्वेश्चनां की गल कर लैंदे आं। तो रैम जिहड़ी मैमरी है, इसनों एक होर नाम नाल जाणिआ जांदा है, वोलेटाइल मैमरी। एग्जाम विच क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हां विचों किहड़ी मैमरी है जिहड़ी वोलेटाइल मैमरी कहा जाता है, तो याद रखो रैम नूं की कहा जाता है, वोलेटाइल मैमरी, और रोम नूं की कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मैमरी कहा जाता है। तो इस तों इलावा क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, व्हाट इज़ कुकी? कुकीज़ होंदी है यह इंटरनेट की इनफॉर्मेशन फाइल होंदी है। 24 की गल करिए, BAK एक एक्सटेंशन फाइल है, कादी फाइल है एक्सटेंशन? यह बैकअप फाइल की एक एक्सटेंशन फाइल बन जाती है, जो भी आप सेव करते हैं बैकअप फाइल में, तो उसके पीछे जो फाइल का नाम लिखा होता है BAK लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, कंप्यूटर विच कुछ प्रोग्राम स्पैशल काम लिए बनाए जाते हैं, उस उन्होंने की कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, कंप्यूटर विच कैथोड रे कितने वरती जाती है? तो मोनीटर विच कैथोड रे यूज़ होंगी है, जिहड़ा भी आप विजिट कर रहे हो मोनीटर विच, वह कैथोड रेज के कारण ही आप विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, सब तो ज़्यादा तेज़ मैमरी कौन है? तो कैच मैमरी सब तो ज़्यादा तेज़ मैमरी मनिया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, कंप्यूटर विच आउटपुट डिवाइसां दे नाम दसो। तो पोल्टर होंदा एक, तो स्पीकर, मोनीटर, प्रिंटर, यह चार मेन जिहड़े कि आउटपुट डिवाइसां ने। कंप्यूटर विच इनपुट डिवाइसां दे नाम जे आपां क्लीयर करिए, तो कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, यह इनपुट डिवाइस विच आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, BAT वैट एक एक्सटेंशन फाइल है, यह किस दी एक्सटेंशन फाइल है? यह सिस्टम फाइल की एक्सटेंशन फाइल होंदी है, जो भी आप सिस्टम फाइल में सेव करते हैं तो उस दे नाम विच की होंदा VAT लिखा होंदा। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, वैन का पूरा नाम की है? वाइड एरिया नैटवर्क वैन का पूरा नाम है। तो इसी तरह लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नैटवर्क लैन का पूरा नाम है। कि क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, डैश उपकरण इनपुट और आउटपुट दोवें डिवाइस दे थ्रू काम करता है, मतलब जो मॉडम होंगे अपना वह आप एज ए इनपुट भी वर्क लेने तो एज ए आउटपुट भी वर्क लें। तो मॉडम का पूरा नाम क्या होंगे? मोडूलेटर, डी मोडूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए, अरोर कंप्यूटर डाटा विच होंदा है क्योंकि, मतलब कंप्यूटर विच अरोर डाटा क्यों आता है, कदे करके आता? बग दे करके, यह एक वायरस होंगे इस करके अरोर आपां कंप्यूटर विच शो होंदा। क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, अर्थमैटिक लॉजिकल ऑपरेशन की सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला कंप्यूटर किहड़ा सी? अर्थमैटिक मतलब कैलकुलेशन वगैरह करने वाला सब तो पहला कंप्यूटर का नाम की सी? तो Mark 1 सब तो पहला, सिर्फ जिसका परपज से कैलकुलेशन लॉजिकल ऑपरेशन करने का परपज से उसका, तो उस कंप्यूटर का नाम की सी? Mark 1 कंप्यूटर ही सब तो पहला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, 1 MB किन्ने KB के बराबर होंगी है? 1 MB 1024 KB इंक्लूड होंगे ने। क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए, BIOS का पूरा नाम की है? काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखियो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 की गल करिए, सब तो ज़्यादा वड्डा मैमरी स्पेस किहड़ा है? तो पैटावाइट नूं सब तो ज़्यादा वड्डी मैमरी के नाम नाल आपां जानदे आ। क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, फोटन की है? फोटन
यह एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन एप्लीकेशन होंगी है तो फोर्टन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा लई डैश जरूरी है। यह विज्ञानियों की रिसर्च लई जरूरी है। फोर्टन की जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होंगी यह विज्ञानियों रिसर्च लई जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, कंप्यूटर भाषावां विचों किहड़ी भाषा इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग भाषा है? तो हाई लैवल लैंगुएज है जी, यह इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंगुएज है। क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, कंप्यूटर विच किसी भी डायरैक्टली एंड सब डायरैक्टली विच ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन की हुंदा है? तो फोल्डर नूं आपां डायरैक्टली ते सब डायरैक्टली ग्राफिकल दे तौर ते यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, दुनिया का पहला इलैक्ट्रो मकैनिकल कंप्यूटर कदों बनाया गया? 1944 बनाया गया। तो पहली जनरेशन का कंप्यूटर कदों आया? 1940 आया। उस तो 3 साल बाद 1944 पहला इलैक्ट्रो मकैनिकल कंप्यूटर का निर्माण हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, IRQ का पूरा नाम की है? तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, एक एग्जाम्पल ऑफ रीड ओनली मैमरी की, मतलब ROM रोम की एक एग्जाम्पल इन्होंने पूछी है। CD-ROM एक एग्जाम्पल है रीड ओनली मैमरी की। तो CD का फुल फॉर्म की होंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ द फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, एक्सेस टाइम की होंगे? एक्सेस टाइम की होंगे? सीक टाइम होंगे एक प्लस लेटेंसी टाइम होंगे। इस दे जोड़ नूं एक्सेस टाइम मनिया जाता कंप्यूटर लैंगुएज विच। क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया सी? तो चार्ल्स बैबेज ने। क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, बिट का पूरा नाम की है? तो बाइनरी डिजिट बिट नूं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, GIGO का पूरा नाम की है? तो गारबेज इन गारबेज आउट GIGO का पूरा नाम है। पिछली बार एग्जाम भी यह पूछा गया सी, तां करके काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो की चीज़ सब तो पहला एक्टिवेट होंगी है? तो BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सब तो पहला एक्टिवेट होंगे है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए, वेब कैम एक डैश उपकरण है, एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर मोनीटर डैश उपकरण है, यह आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए, USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूरा नाम है। तो 60 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किमें मापा जाता है? तो डॉट्स पर इंच के थ्रू प्रिंटर की रेजोल्यूशन मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की गल करिए, गारबेज इन गारबेज आउट किस नाल संबंधित है? तो एक्यूरेसी नाल संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए, प्रिंटर इज डैश उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की गल करिए, हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी किस विधि से काम करती है? यह मैगनैटिक विधि से हार्ड डिस्क काम करता है। क्वेश्चन नंबर 64 की गल करिए, 32 बिट के माइक्रो प्रोसैसर की लेंथ डैश के बराबर होंगी है, 4 बाइट के बराबर होंगी है। क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए, जे एक लाइन से बहुत सारे कनैक्शन जुड़े हो उसनू की बस कनैक्शन इन्हों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए, एक पूरा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम इज डैश। क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए, एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम विच की कुछ होंगे? माइक्रो प्रोसैसर होंगे, मैमरी होंगे, पेरीफल उपकरण होंगे ने। क्वेश्चन नंबर 67 की गल करिए, PC यानी प्रोग्राम काउंटर नूं एक होर नाम नाल जाना जाता है जिसनों आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कह दें। क्वेश्चन नंबर 68 की गल करिए, दुनिया तो सब तो पहली सोशल मीडिया वैबसाइट 6 डिग्री 1997 बनी सी। सोशल मीडिया जिवें आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उस तरह 1997 एक 6 डिग्री नामक सोशल मीडिया का निर्माण होया सी। ते इसका जिहड़ा फाउंडर सी, मतलब कि जिवें हुण फेसबुक मार्क ज़ुकरबर्ग ने बनाई हुई है, 6 डिग्री है जिहड़ी वह एंड्रयू वेनरिच नामक एक व्यक्ति ने बनाई सी। क्वेश्चन नंबर 70 की गल करिए, एंड्रॉयड की खोज किसने की सी? जिवें आप मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो इसका सब तो पहला निर्माण एंडी रूबिन नामक व्यक्ति ने किया। क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसने की सी? तो केन थैम्पसन ने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की सी। ईमेल की खोज किसने की सी? तो रे टोमिलसन नामक व्यक्ति ने ईमेल की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 73 की गल करिए, किहड़ी प्रोटोकॉल IP एड्रेस नूं निर्धारित करदी है? तो DHCP प्रोटोकॉल IP एड्रेस लई सूटेबल हुंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 74 की गल करिए, इंटरनेट विच किहड़ी प्रोटोकॉल वरती जांदी है? TCP/IP प्रोटोकॉल इंटरनेट विच यूज़ की जाती है। TCP का पूरा नाम की हुंदा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसनूं कहा जाता है। ओके दोस्तों, आई थिंक यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जे तुसी इस PDF फाइल नूं बाय करना चाहते हो तो जिसका प्राइस सिर्फ 14 रुपये है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिता, उत्थे जाके तुसी इसनूं बाय कर सकते हो। एंड बाकी के क्वेश्चन आपां नैक्सट क्लास में कवर कर लेंगे।